हेलो बियोस, चेल्सी आज आपको मेरे कपड़े को देख के मालूम पड़ गया वो क्या बनाने वाला हूँ। कॉन्टिनेंटल डिश बनाने वाला हूँ आज, जिसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ नया बनाओ, कुछ कंटेंट में कुछ सुधार करो। तो आज मैंने चूज किया है वेरी क्विक और नाइस ब्रेकफास्ट, एक बर्गर बनने वाला है। तो उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास चीज स्लाइसेस हैं जो मैं ऊपर से ओवरलैप करूंगा, अगेन एलपिनोस है, मेरे पास गर्किन्स हैं जिनको मैं स्लाइस कर दी है, मेरे पास एग्स हैं, बर्गर बंस, आई हैव गॉट द बर्गर बंस व्हिच विल बी रोस्ट बिट रोस्टेड ऑन द तवा। और मेरे पास क्या है, ये बेल पेपर। बेल पेपर क्या करने वाले हैं हम, इसके ऊपर इसका हम मोल्ड बनाएंगे। हमारे पास घर, किसके घर में मोल्ड नहीं होता है, तो हम इसका मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने के बाद इसके अंदर हम अभी, अब मेरी रेसिपी को देखिएगा, इसके अंदर हम अंडा डाल के फ्राइड एग बनाएंगे जो हमारे टिक्की का काम करेगा बर्गर के बीच में। तो गाइस, बर्गर के लिए सबसे पहले हमने क्या तैयार करना होता है वो है ब्रेड। ब्रेड को हम इसको हल्का सा रोस्ट कर देंगे, पहले इसको सेंटर से काटेंगे, टॉप एंड बॉटम को अलग अलग कर देंगे, और इसको इस तरह से हमने इस पे गरम कर देनी है। ये गरम हो गया, और साथ साथ में दूसरे बर्गर को भी, हम दो ही बनाने वाले हैं तो दो हमने तैयार करी हुई है। ये हमारा बर्गर का ब्रेड तैयार हो रहा है। तो गाइज, ये मोल्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले इसका बॉटम काट देंगे हम कैप्सिकम का, यानी बेल पेपर्स का। तो ये बेल पेपर्स जो बेस होगा ये आराम से तवे में बैठना चाहिए, और इसका कितना बड़ा हमने मोल्ड बनाना है, एक अंडा लगभग लगभग इतना फूल के इतना तक आएगा, इसकी टिक्की की साइज इतनी बन सकती है, इतनी हाइट तक आ सकती है, उसके हिसाब से काटना आप इसको। और इसके सेंटर को आप आराम से, सो दैट निकल जाए, इसके अंदर अंडा आपका आ जाएगा डायरेक्टली, और आपने इसको मोल्ड तैयार कर देना है। इस तरह का मोल्ड है, हमने इसको तवे में रखना है, इसके अंदर हम अंडा डाल देंगे। सो गाइस, हमारा जो है ब्रेड अभी इस तरह से ब्राउन हो चुका है बेस, और ये इसका टॉप ये है, ये तैयार हो चुके हैं, हमने इसको साइड में रख देना। सो गाइस, मैंने तवे में ऑयल अप्लाई कर दिया है, अब इस तरह से ना मोल्ड को यहाँ पर रख दिया है। तो इन दोनों मोल्ड को तवा थोड़ा सा हम इसके स्लो कर लेके रखेंगे इसकी आँच को, और अंडे मेरे साथ में है, मैं अंडे को क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर तोड़ के, ताकि ये इधर उधर ना भागे अंडा। तो हम क्या करेंगे, तब तक हमने जो है इसका बेस तैयार करना है। बेस में सबसे पहले हमने यहाँ पे मेयो लगा देंगे, मेरे पास मेयो है, हेलमेट्स का मेयो लेके आए हैं, और इसके साथ साथ में मैंने इसके ऊपर, जब तक तो ये हार्ड ना हो जाए, ब्लैक पेपर पाउडर इसके ऊपर डाल दिया, और सॉल्ट हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ये सॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी इसमें जा चुका है, तो वो कभी कभी बेक भी कर लेते हैं, इस तरह से इजी हो जाता है, ताकि दोनों साइड आपका एक साथ में कुकिंग हो जाती है। समहाउ हम इसे तवे में कर रहे हैं क्योंकि घर की रेसिपी है, तो सारे उन मदर्स के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करा हुआ है ये वीडियो बनाने को, कि क्विक क्या बर्गर हम बना सकते हैं। तो पेटीज वगैरह बनाने में टाइम लगता है, तो एग हर किसी के घर में होता है, एग आज की डेट में कैप्सिकम भी इजीली मिल जाते हैं। ब्रेड्स या तो आप बन लीजिए, या तो फिर आपको बर्गर बन नहीं मिल पा रहा है तो ब्रेड भी आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आप स्लोली देखिए, मेरा ये जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट एग जो है नीचे का बीज इसका तैयार हो चुका है, इसको स्लोली मूव करेंगे इधर उधर फ्राइड एग की तरफ, इसका बीज तैयार है। तो अभी हम इसको पलटा देंगे वापस दूसरी तरफ, उससे क्या हो जाएगा कि आपका दोनों तरफ पक जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, इसको हम ढक भी सकते हैं, ढक देते हैं, थोड़े से इसकी हीट मिल जाएगी इसको, तो इसका टॉप भी हमने मेयो की बेस लगा देनी है इस तरह से।
ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, आपने गर्मा गर्म आपको परोसना है। मेरे पास गर्किन्स है, एज मैंने पहले से आपको इंट्रोड्यूस किया था, गर्किन्स को आप लगा दो बेस के लिए, या तो सैलड पत्ता अगर आपको कहीं इजीली मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, सैलड पत्ता आप इसमें लगा सकते हैं। मेरा जो मेरे पास गर्किन्स थे, मैंने गर्किन्स को काट के अच्छी स्लाइस कर ली है, तो बेस इसी से बना देता हूँ मैं। और आपको स्पाइसी चाहिए तो मेरे पास जिस तरह से मैंने कहा एलेपिनोस है, मैं उनको लगा रहा हूँ एलेपिनोस को इसमें, और इस पे लगा देता हूँ मैं, दोनों में एलेपिनोस लगा रहा हूँ ताकि हम थोड़ा स्पाइसी बना दें इसको। ये बेस दरअसल मेरा तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं अंडे का कंडीशन कहाँ पहुँचा हुआ है। अंडा लगभग लगभग देखिए आप, ऊपर से भी जो है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको निकालना है आराम से। तो गाइस ये जो है हमारा आज का स्पेशल एक बर्गर इज ऑन द वे, तैयार है एकदम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने के लिए। परफेक्टली बढ़िया बन चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ से साइड से कैप्सिकम को काट के निकाल देता हूँ, जिस पार्ट से भी इजी कट जाए तो निकालने के लिए इजी हो जाएगा। ये इस तरह से निकल गया, ये देखिए आपका अंडे का आपका पैटी तैयार है बर्गर के लिए। ये इस तरह से ये निकल गया, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार है। आपके पैटीज तैयार है और आपका जो है बर्गर का टॉप भी तैयार है। गैस स्लो कर दीजिए ताकि आपका ये नीचे ना जले, बराबर निकल जाए, ये चिपका है ये भी निकल जाए बराबर। तो इस तरह से आपका पैटी तैयार है। अब पैटी के लिए आप बाय द टाइम आप चीज़ भी आपके पास तैयार है तो चीज़ भी आप खोल के रख सकते हैं जो इसके ऊपर हम लेड ऑफ करेंगे, और फिर आपका जो है बर्गर के ऊपर ये निकल जाएगा। तो गाइज ये जो है अंडे का पैटी एकदम तैयार है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। बहुत ही इजी होममेड रेसिपी, गैस बंद कर दी है और ये इस तरह से इस पे जाएगा। सिंस ये गर्म है तो उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, इसके ऊपर सैलड पत्ता भी है, बहुत सारी चीज़ें, कोई टमाटो पसंद करता है, क्यूकम्बर पसंद करता है, कोई प्याज पसंद करता है, बट आज मैंने एक सिंपल रेसिपी आपको बताई है जो संभव आप उसको घर में ट्राई कर सकते हैं और इजीली एंजॉय भी कर सकते हैं। है बेस, अब इसके ऊपर हमने ये टॉप लगा देना है। ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। तो ये जो है अंडा बर्गर, एग बर्गर मैंने बनाया है। इस पे हमारा बेस था नॉर्मल ब्रेड, हमने एक बर्गर बन लिया था, उसके अलावा दूसरा बर्गर बन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको बड़ा वाला चाहिए। इसके बेस पे इंस्टेड ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने क्या करा है कि इसमें गर्किन्स और एलेपिनोस डाल दी है, मेयो एज अ पार्ट, और उसके ऊपर मैंने चीज़ लगा दी है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा मेयोस आप डाल के खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। दैट्स हाउ द बर्गर इज मेड। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक। अभी आपने देखा कि आपको मैंने जो बना के दिखाया एग बर्गर, वो समहाउ किसी ने बनाया नहीं होगा अभी तक, ऐसे थॉट किसने लाए नहीं होंगे। कंटेंट की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर रखा था, जिसके तौर पे मैंने कहा कि आज चलो आप लोगों को ये सब खिलाया जाए। इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ये सारे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए कि मेरे ब्लॉग पे आए और देखें कुछ नया रॉ रेसिपी आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ।
और साथ साथ में आप जुड़े रहिए मेरे साथ और खुद ट्राई भी कीजिए और मुझे कमेंट्स इसी तरह कमेंट डालते रहिए कि मुझे क्या बनाना चाहिए और मैं क्या करूं आपके लिए, सो दैट इजी रेसिपीज आपको मिल जाए। थैंक यू, खाते रहिए और स्वस्थ रहिए।